फ्रेंड्स, आने हैंडमेड स्वेटर में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके लिए ये ग्लव्स लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है इनको बनाना, बिगनर्स भी इनको आराम से बना सकते हैं। देखिए आप, ये इस तरह से, इस टाइप के हैं ये। बहुत इजी है इनको बनाना। चलिए मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कैसे बनाया है। ये मैंने इसमें ये 60 फंदे डाले हुए हैं नीचे, और ये मैंने दो उल्टे और दो सीधे करके दोनों साइड से मैंने ये बुना हुआ है, देख सकते हैं। हमें ये अपने हाथ के अकॉर्डिंग लेना है, कितनी हमें उसकी वो चाहिए, यहाँ से लेके लेंथ, उस हिसाब से आप इंची टेप से नाप के बना लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पर ये फंदे बंद कर दिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से सिलना है। ये हमें इस तरह से सिलना है। ये हमने बंद करने वाला हमारा धागा है, इसको हम एक साइड डालेंगे, फिर अपोजिट साइड इसको इधर से ऐसे इस तरह से निकालेंगे, फिर उस अपोजिट साइड इस तरह से निकालेंगे इसको हम। इसी तरह से हम इसको सिलेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इस तरह से हमें जितना हमने ये सिला हुआ है उसके बराबर ही हम इसको सिलेंगे। हमें ये इसका इतना पार्ट ही खुला रखना है। हमें ये इतना ही सिलना है। इधर आप अपने हाथ में इसको डाल के अंगूठे के अकॉर्डिंग, किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का अंगूठा साइज छोटा बड़ा होता है, उस हिसाब से इस तरह से यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे और इसको हम एक और नॉट लगा के इसको हम धागे को काट लेंगे। ये इतना पार्ट हम इसका छोड़ेंगे, इसी से मेज़र करके जी देखिए अब इतना मेज़र करके फिर यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये यहाँ पे ये इस तरह से हम इसको जैसे हमने उधर से सिला था अपोजिट साइड में इधर से सुई निकालेंगे, उसके अपोजिट साइड इधर से सुई निकालेंगे, धागा थोड़ा टाइट करते हुए इसको हम सिल लेंगे। ये सबको बहुत पसंद आते हैं ग्लव्स, ये कंफर्टेबल रहते हैं, बच्चे बड़े सब इसको आराम से पहनते हैं। इसी तरह से ये आप क्रोशिया से भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने सिलाइयों से बनाया, मैं आपको क्रोशिया से भी बनाना बताऊंगी अपने वीडियो में, किस तरह से बनाए हैं क्रोशिया से बनाते हैं इनको। हम एक बार और मेज़र कर लेते हैं अपने अंगूठे के साइज़ को, दोनों बराबर हो ये या नहीं। देखिए दोनों बराबर हो चुके हैं। अब हाँ, यहाँ पे भी हम नॉट लगा देंगे अच्छे से, इसको नॉट लगा के सिक्योर कर देंगे इसको यहाँ से हम।
मैं आपको ये सीधे करके दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए आप इस तरह से ये आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।